गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिस्ट्री में चैप्टर 7 जिसका नेम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में जानेंगे। अशोक एक राजा था जिसने युद्ध लड़ने का त्याग किया था, क्योंकि वो किस धर्म को मानते थे, वे बौद्ध धर्म को मानते थे और उनकी क्या शिक्षाएं थी कि वो किसी हिंसा का त्याग करेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने युद्ध का त्याग किया। तो देखिए क्या दिया गया है, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले, मतलब रोशन का जन्मदिन था तो उसके दादाजी ने उसे भेंट में क्या दिया था, कड़क नोट दिए थे। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था, ठीक है, और रोशन ने उन्हें अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कर नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। और मतलब उसका एक तरफ मन था कि उसे नया सीडी खरीदना है, लेकिन एक तरफ उसका मन ये भी था कि उसे उन नोटों को देखना था, छूना था और उन्हें उससे फील महसूस करना था। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा दिखाई पड़ता था, बाई तरफ छोटे छोटे शेर चिन्हित थे। मतलब जब आप लोगों ने नोट देखा होगा तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक तरफ गांधी जी का चित्र दिखाई देता है और दूसरी तरफ ये चित्र दिखाई देता है ना। उसने सोचा आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं, गांधी जी को तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इस चिन्ह को हर कोई नहीं जानता है। तो अब वो इसके मन में सवाल आने लगा कि ये शेर क्यों बने हुए हैं इस नोट पर। तो देखिए इसकी कहानी को अब हम जानेंगे कि इन शेरों की क्या कहानी है। एक बड़ा राज्य जिसको हमने क्या नाम दिया, साम्राज्य नाम दिया। देखिए हम जिन शेरों के चित्र रुपये और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। मतलब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर इन्हें कहाँ पर स्थापित किया गया था, सारनाथ में। कहाँ पर स्थापित किया था, सारनाथ में स्थापित किया था। और सारनाथ कहाँ है बताइए, सारनाथ कहाँ है, हमने इसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, तो बताइए सारनाथ कहाँ है। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है, वहाँ पर स्थापित किया गया। क्योंकि जो अशोक थे वो कहाँ थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो इस कहानी को तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन शेर की कहानी को समझने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो देखिए अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। मतलब जो अशोक थे, मतलब उन्होंने जिस साम्राज्य पर, मतलब जिस पर शासन किया था उसकी स्थापना पहले से हो चुकी थी। और उनकी स्थापना किसने की थी, उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने की थी। अब कब की थी, 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। मतलब ये तो नहीं कि एक साधारण सामान्य व्यक्ति राजा बन जाए, उसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की, प्रयत्न किए और उन्हें एक गुरु मिला। कौन थे उनके गुरु, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य थे। उनकी मदद से उन्होंने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चाणक्य की जो कूटनीति थी उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था, अर्थशास्त्र। और उन्होंने उन विचारों को, जो उनकी कूटनीति थी, उन विचारों को उन्होंने किस किताब में देखने को मिलेगा हमें,
अर्थशास्त्र नाम की किताब में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मतलब एक ऐसा राज्य जो पहले से ही स्थापित है, उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो मतलब उसी परिवार के लोग शासन करते हैं, तो वो क्या हो गया, साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए वंश क्या होते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। अभी मैंने बताया पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पहले उनके दादा ने शासन किया, फिर उस राज्य पर किसने शासन किया, उनके बेटे ने शासन किया। अगर उन बेटे के भी कोई पुत्र होता है तो वो राजा बन जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर कोई बाहर वाला व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं वंश। अब मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए थे जिनको प्रचार है ना और प्रसिद्धि मिली थी। कौन थे वो? पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका बेटा बिंदुसार, फिर उनका बेटा कौन था, बिंदुसार था, और फिर बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। अशोक के बाद भी कई लोगों ने मौर्य साम्राज्य पर क्या किया, शासन किया, लेकिन वो लोग इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि ये तीनों लोग हुए थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम इस नक्शे को मतलब मानचित्र को समझेंगे। तो देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। कौन कौन से नगर प्रमुख थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मतलब जब हम तक्षशिला मतलब एक ऐसा राज्य था, मतलब एक ऐसा नगर था जो उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया के बीच में आने जाने के लिए क्या बन गया था, मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु बन गया था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, और दूसरा रास्ता कौन सा था, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने के लिए हमें कहाँ कौन से नगर को जाना पड़ता था, उज्जैन से होकर जाना पड़ता था। साहित्य नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, और इनमें कौन रहते थे बताइए, कौन रहते थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार। सरकारी अधिकारी एक तरीके से हो गए जो किसी राजा के अंदर काम करते थे, मतलब उनको कुछ सेवाएं देनी पड़ती थी। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, मतलब और इस साम्राज्य के जो बड़े क्षेत्र थे वो भले साम्राज्य के जैसे अभी हमने देखा तक्षशिला थे, उज्जैन थे है ना, और पाटलिपुत्र ये थे, तो इनमें भी छोटे छोटे से गाँव थे, और जो उसमें कौन रहते थे, किसान और पशुपालक रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और जो मध्य भारत ये था उनका हिस्सा कैसा था, जंगलों से भरा हुआ था, पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, और वो लोग क्या करते थे, फल फूल को तोड़कर उनको बेचते थे, एक नगर से दूसरे नगर बेचते थे है ना, जानवरों का शिकार करते थे, उससे वो पैसा कमाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, क्या है मतलब, और जैसे जैसे उनके नगर का रहन सहन, छोटे छोटे गांव थे उसके अंदर, उनका रहन सहन और उनकी भाषाएँ भी क्या थी, सभी अलग अलग थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये तो अब हम अभी भी देखते हैं, जैसे कि हम अभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ के खाने का तरीका, खाने के प्रकार है ना, और बोलने का तरीका सब कुछ अलग है। अगर हम इसी को मध्य प्रदेश में देखें तो वहाँ के लोगों को कुछ और पसंद होता है, उनका पहनने का तरीका कुछ और होता है, उनकी भाषा अलग होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर होता था। मतलब जो नगर थे, नगर का तो रहन सहन अच्छा होता था, लेकिन उसके अंदर का जो गांव आते थे उनका रहन सहन क्या था, उनका रहन सहन उसी के हिसाब से होता था, उनकी भाषा भी उसी तरीके से होती थी। ठीक है, अब देखिए अब हम इस मानचित्र को अच्छे से समझेंगे। देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है,
ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के वे कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, मतलब कुछ राज्य तो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे और कुछ राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। तो हमें उन राज्यों को बताना है जो मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मानचित्र में कि साम्राज्य के कौन कौन से नगर थे और उनको किस रंग से दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण नगर को किन रंग से दर्शाया गया है, काले रंग से, मतलब काले बिंदुओं से दर्शाया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है महत्वपूर्ण नगर में, तक्षशिला। क्या है, तक्षशिला जो मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद क्या राजधानी हुई थी, पाटलिपुत्र, और फिर उज्जैन, है ना। ये क्या हो गए, ये क्या मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। क्या थे ये, मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। अब देखिए लाल रंग से अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख थे, स्तंभ बनाए गए थे, उनके नमूने मिले थे। तो देखिए कौन कौन से हैं, मनसेहरा। क्या है, मनसेहरा, और ये किस राज्य के अंतर्गत है, अभी जम्मू कश्मीर के पास है ना। सेकंड दिया गया है सहवाजगढ़ी। क्या है, सहवाजगढ़ी। क्या है, सहवाजगढ़ी। थर्ड है लंपक। क्या है, लंपक। और फोर्थ कंधार। क्या है, कंधार। फिर क्या है, कलसी। फिर दिया गया है टोपरा, मेरठ, बहापुर, जिसके मतलब दिल्ली में है वो ये। फिर लुम्बिनी है ना, रामपुरबा, लोरिया, अरारज है ना, सारनाथ, कौसाम्बी, गुज्जर, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरेवा, गिरनार। ये सब क्या है, जो लाल बिंदु से दर्शाए गए हैं, वे सब वे स्थान है जहाँ पर लोग उन्हें पुरातत्वविद लोगों को क्या प्राप्त हुआ था, अभिलेख की प्राप्ति हुई थी। ये अब हम जानेंगे कि एक राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं। चूंकि राज्य चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। मतलब जो साम्राज्य होते हैं वो राज्य से बड़े होते हैं, जब वे राज्य से बड़े होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी जो सेना होती है वो बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। मतलब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर सपोज करिए एक एग्जांपल के रूप में कि जैसे अगर हमारा घर छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उतने ही संसाधनों की आवश्यकता होगी जितने संसाधन हमें ज़रूरत के हैं, है ना। और बड़ा घर होगा हमारा तो क्या होगा, तो जो संसाधन हमारे लिए ज़रूरी है उनका तो हम यूज करेंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ सकती है, हम उनको भी ले सकते हैं और उनको घर में रख सकते हैं। तो ऐसे ही राज्य की अपेक्षा साम्राज्य में किसकी, सेना की आवश्यकता अधिक होती थी, इसलिए जो सेना प्रयोग की जाती थी वो बड़ी मात्रा में की जाती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। जब साम्राज्य राज्य से बड़ा है तो वहाँ पर कर इकट्ठा करने के लिए भी अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो क्या था, एक क्या था, साम्राज्य था। और वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो गांव थे, जो नगर थे, वो अन्य जगह से क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए जो कर की ज़रूरत होती, कर को इकट्ठा करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। देखिए अब हम इसमें साम्राज्य का प्रशासन के बारे में जानेंगे कि एक साम्राज्य में शासन कैसे होता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मतलब मौर्य साम्राज्य बड़ा होने के कारण उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उन पर अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब जो पाटलिपुत्र क्या थी, राजधानी थी,
मौर्य साम्राज्य की, है ना। तो और उसके आसपास जो भी क्षेत्र थे उन पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। तो सम्राट कौन होता है? साम्राज्य का अधिकारी कौन होता है? जो सभी फैसले लेता है उसको हम क्या कहते हैं? सम्राट कहते हैं। उसका मतलब पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण रहता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मतलब अब ये तो नहीं है कि राजा घर घर जाकर लोगों से कर वसूलेगा, नहीं। तो वो उसके क्या होता था, वो अपने अंदर में मतलब अपने अंतर्गत अधिकारियों को नियुक्त करता था और वो लोग कर वसूल देते, और इसकी जानकारी किसको देते थे? राजा मतलब अर्थात सम्राट को देते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे, और मतलब जो राजा के आदेशों की बात नहीं मानते थे तो वे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, और कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनको क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब इसका मतलब ये है, मतलब राजा जिन अधिकारियों को नियुक्त करता था उनको भी देखा जाता था कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं। इसलिए वो अपने संदेशवाहकों को जो एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, है ना, और जो कुछ जासूस भी उन पर नज़र रखते थे, और उनकी जो भी खबर होती थी वे किसको भेजते थे? राजा के पास भेजते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मैं बार बार कह रही हूँ कि मतलब इसमें जो राजा होता था, राजा को हम क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। वे अधिकारी को नियुक्त करते थे और जो भी होता था उस सब फैसले कौन लेता था? सम्राट लेते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र प्रांत थे। इनके भीतर बड़े बड़े नगर थे तो साथ में छोटे छोटे प्रांत और क्षेत्र भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। इन पर क्या होता था? जो तक्षशिला है, उज्जैन ऐसे बड़े नगर हैं, मतलब जो उनकी राजधानी थी, प्रांतीय राजधानी थी, उनसे शासन किया जाता था। इन पर एक एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता था, और मतलब एक एक व्यक्ति को, वे व्यक्ति कौन होते थे? वे राजा के क्या होते थे? सगे संबंधी होते थे या उनके पुत्र वगैरह होते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि मतलब जैसे ये बड़े बड़े नगर, उनकी जो प्रांतीय राजधानी थी, उन पर कौन शासन करता था? उनके बेटे, पुत्र वगैरह, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो उन्हें वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मतलब ये जो फैसला लेते थे उनको उससे पहले किससे सहमति लेनी होती थी? सम्राट से सहमति लेनी होती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था, और क्योंकि जब इन्हें सम्राट से सहमति लेनी होती थी तो वो उन्हीं के बने हुए नियम और कानूनों का पालन करते थे। ये अपनी तरफ से अपने नियम और कानून नहीं बनाते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मतलब जो उनके मुख्य केंद्र थे उनके बीच में विस्तृत मतलब बहुत बड़े क्षेत्र ऐसे थे जिनमें सिर्फ मार्ग और नदियों से वो नियंत्रण, उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर उन्होंने इन पर नियंत्रण रख लिया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके राज्य, उनके नगर पर आक्रमण नहीं कर सकता था। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। मतलब वे नदियाँ और जो मार्ग थे वो आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे, और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन मतलब जो भी सामना की प्राप्ति होती थी, जो उन्हें कर के रूप में मिलते थे, उन्हें भी एकत्रित कर लेते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो कर के रूप में उन्हें जो सामान दिया जाता था, मतलब क्या दिया जाता था? जो चीज़ वहाँ की फेमस, जो चीज़ वहाँ की प्रसिद्ध थी वो वस्तु उन्हें कर के रूप में दी जाती थी। तो उत्तर पश्चिम में तो कंबल प्रसिद्ध थे, दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। किसके रूप में इकट्ठे किए जाते थे? नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी
हद तक स्वतंत्र थी। और इसके बाद जो विस्तृत क्षेत्र था उसके बाद कौन से इलाके आते थे? जंगल वाले इलाके आते थे। और वहाँ रहने वाले जो लोग थे वो काफ़ी हद तक मतलब एक बड़ी मात्रा में स्वतंत्र थे, क्योंकि उन पर जो नियंत्रण रखा जाता था, क्योंकि वह नगर से बहुत दूर थे, उनकी राजधानियों से दूर थे, तो उनका अलग शासन होता था, उनके अलग से नियम और कानून बने थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें, मतलब और उनसे जो जंगल में रहते थे व्यक्ति, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे कर के रूप में उन मतलब मौर्य पदाधिकारी अधिकारियों को क्या दें? हाथी, लकड़ी, मधु मतलब शहद और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। इतना अब हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि नजराना क्या होता है। देखिए नजराना क्या होता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब जब हम महीने के महीने किसी को कोई वस्तु देते थे तो उसको कर मानते थे। क्या मानते थे? कर मानते थे। अगर उसी वस्तु को हम अनियमित ढंग मतलब कभी भी किसी भी रूप में दे सकते हैं तो उनको हम क्या मानेंगे? नजराना मानेंगे। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। और नजराना केवल वही लोग देते थे जो अपनी मर्जी से कर अधिकारियों पदाधिकारियों को देते थे, बड़े अधिकारियों को देते थे कि वो क्या होता था? नजराना, क्योंकि वे उसे कभी भी किसी भी समय पर उनको देते थे।